22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी के दिग्गज नेता जहां एक तरफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कल प्रियंका गांधी रायबरेली में सपेरों से मिली और साथ ही सांपों को भी उठाया। तो बता दें कि कोबरा सांप के साथ प्रियंका गांधी को खेलना उनके लिए मुसीबत बन सकता है। दरअसल मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने डीएम के शिकायत की है। तो वहीं दूसरी ओर बोर्ड के अधिकारी जयप्रकाश सक्सेना ने द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इस मामले में डीएम ने एडीएम राम अभिलाष की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ भू एमओ गेस्ट हाउस से गुरुवार को निकलने के बाद प्रियंका वाड्रा राही ब्लॉक के हंसा का पूर्वा गांव में पहुंच गई थी और सड़क के किनारे बैठकर सपेरे के पिटारे से कोबरा को निकालवाकर हाथ से पकड़ लिया था। काफी देर तक सांपों से खेलती रही। एक और जहां प्रियंका का यह वीडियो आग की तरह फैल गया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय पशु कल्याण बोर्ड इस मामले में गंभीर हो गया है। बता दें कि जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि प्रियंका द्वारा सांप को हाथ में लेने के मामले में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने शिकायत मिली है। बता दें कि मामले की जांच के लिए एडीएम की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। शुक्रवार यानी आज जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए डाउनलोड करें सिटी पोस्ट लाइव मोबाइल ऐप। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना।